नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पटना की चर्चा तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे भागलपुर की, क्योंकि भागलपुर आउट ऑफ कंट्रोल है। और मुझे पक्का भरोसा है कि अश्विनी कुमार चौबे जी, जो भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, भागलपुर की मिट्टी से प्यार करते हैं, भागलपुर की मिट्टी में ही पले बढ़े हैं, वे निश्चित तौर पर रामायण देख रहे होंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रार्थना कर रहे होंगे कि इलाज तो मैं करा नहीं पा रहा, भागलपुर को आशीर्वाद देकर दुरुस्त कर दो। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं नहीं पता, दोनों भाजपा के हैं और भागलपुर को भी भाजपा अपना मानती है। जब चुनाव आएगा तो 2015 में हार गए इसकी परवाह नहीं करेंगे, दावा ये करेंगे कि 2020 तो हमारा है, भागलपुर तो हम ही जीतेंगे। तो सब कुछ भाजपा का, अश्विनी कुमार चौबे भाजपा के, मंगल पांडे भाजपा के, फिर भी भागलपुर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? मेरा सवाल ये है। भागलपुर का सवाल भी वही है जो मेरा सवाल है। देखिए, भागलपुर अब मजाक का पात्र बनता जा रहा है, सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं। मैं ऐसे मजाक का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी पकड़ सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो मीम्स चल रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि जो हालात हैं उसमें चपरासी कह रहा है समाहरणालय का, मतलब कलेक्ट्रिएट का, कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि डीएम हम बन जाएंगे। आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही है? समझिए भागलपुर को। आपने कल सुना होगा कि एक व्यक्ति दवा की दुकान पर दवा लेने जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले 5 घंटे तक उस व्यक्ति के पार्थिव शरीर को उठाने वाला कोई नहीं होता है, अफरा तफरी मची होती है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को लोग फोन करते हैं, पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस कहती है यह काम मेरा नहीं है, पार्थिव शरीर हटाने का काम स्वास्थ्य विभाग का है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंगती है। आखिरकार भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं राजेश वर्मा, वे पहुँचते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, मजदूर का बंदोबस्त करते हैं, पीपीई किट खरीदते हैं, फिर उस व्यक्ति के शव को वहाँ से हटाया जाता है। आगे आपको हम राजेश वर्मा से हुई हमारी बातचीत को भी सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले देखिए भागलपुर के बारे में जो सोशल मीडिया में मीम्स है, अश्विनी कुमार चौबे जी, आप रामायण जरूर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रार्थना जरूर कीजिए, पूजा भी कीजिए, लेकिन भागलपुर को बचाने को जाग तो जाइए। भागलपुर की स्थिति क्या हो गई है? देखिए, मीम्स में लोग क्या लिख रहे हैं, मैं अपने वीडियो एडिटर को बताऊंगा कि वे इस मीम्स को दिखा दें। मैंने पहले कहा कि देखिए, मैं ऐसी बातें नहीं मानता हूं। कहा यह जा रहा है कि भागलपुर के डीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सही बात है, भागलपुर के डीएम प्रणब कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस परिवार में भी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई, बच्चे भी हुए। इसके बाद वे पटना के लिए प्रस्थान कर दिए। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब डीएम साहब कोरोना पॉजिटिव हुए और वो पटना चल दिए, तो भागलपुर के लोगों का भरोसा कैसे बने कि भागलपुर में कोरोना से लड़ने की व्यवस्था है? इसका मतलब भागलपुर का सिस्टम खत्म है, इसलिए डीएम साहब को भागलपुर के इलाज पर भरोसा नहीं हुआ और वे पटना के लिए रवाना हो गए। तो देखिए मिम्स क्या कहता है, भागलपुर बिहार के डीएम साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फिर एडीएम को डीएम का प्रभार दिया। यह बात भी सही है, एडीएम को डीएम का प्रभार दिया गया, बेचारे एडीएम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, फिर डीएम का प्रभार डीपीआरओ को दिया गया, ये भी हो गए पॉजिटिव, फिर डीएम का प्रभार डीडीसी को दिया गया। देखिए, ये मिम्स में लिखा गया, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि डीडीसी साहब ने प्रभार लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे डीएम साहब के कॉन्टैक्ट्स में रहे हैं, इसलिए उन्हें यह रिस्क उठाना नहीं चाहिए। खैर, मिम्स में कहा जा रहा है कि फिर डीएम का प्रभार डीडीसी को दिया गया, अब वो भी पॉजिटिव निकल गए हैं। देखिए, यह बात पक्की नहीं है।
अभी समाहरणालय के चपरासी ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि ऐसा ही चलता रहा तो महीने भर में मैं भी डीएम ही बन जाऊंगा। सोचिए, देखिए चपरासी ने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया है, लेकिन यह तमाचा है व्यवस्था को, यह तमाचा है जो कोरोना से लड़ाई लड़ने के नाम पर आपने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। क्या हो गया है? भागलपुर आउट ऑफ कंट्रोल है, रोज मरीज मिल रहे हैं। मैं अभी भागलपुर बात कर रहा था, आज भी 59 नए मरीज मिले हैं 69 और कुल संख्या हो गई 1314। मैंने भागलपुर में कई सेक्टर के लोगों से बातचीत की, भागलपुर के लोगों की पीड़ा सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। कई लोग सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन भागलपुर में हर आदमी डरा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल है। भागलपुर में दो जगहों पर जांच की व्यवस्था है, सदर हॉस्पिटल और मायागंज हॉस्पिटल। हमें कई सारे लोगों ने बताया कि व्यवस्था ऐसी शानदार है अश्विनी कुमार चौबे जी और मंगल पांडे जी के राजपाट में कि कोई सदर हॉस्पिटल जाता है तो कहा जाता है आप मायागंज चले जाइए, मायागंज जाता है तो कहा जाता है सदर हॉस्पिटल चले जाइए। देखिए, आदमी के भीतर लक्षण है और वो जांच कराना चाहता है, लेकिन पहले दौड़ लगाई जाती है उनसे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। खैर, इसके बाद यदि कोई रास्ता निकला तो कहा जाता है कि बैठिए अभी थोड़ा, सोचिए, परेशान है व्यक्ति। अभी आपको हमने बताया कि कल एक व्यक्ति दवा लेने जाता है और दवा के दुकान पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब रिस्क इतना बड़ा है तो सदर हॉस्पिटल और मायागंज हॉस्पिटल के बीच की दौड़ जब खत्म होती है किसी एक हॉस्पिटल में, तो जांच कराने आए व्यक्तियों को कहा जाता है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इस इंतजार में आधे घंटे भी लग सकते हैं और एक घंटे भी लग सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जाती है, इसमें सारी डिटेल्स लिए जाते हैं, नंबर्स लिए जाते हैं। अब भी तुरंत जांच नहीं होती है यदि आप VIP और VVIP नहीं है। कहा जाता है कि आप घर चले जाइए। अब सोचिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कौन करा रहा है? व्यक्ति जिसके भीतर लग रहा है कि लक्षण है, उस व्यक्ति की जांच आप तुरंत नहीं करते हैं, पहले दौड़ाते हैं, फिर कहते हैं घर चले जाइए, आपको कॉल जाएगा। अब कॉल आने में 24 घंटे का वक्त भी लग सकता है, 48 घंटे का वक्त भी लग सकता है। अब इन 24 घंटे और 48 घंटे में उस व्यक्ति के मनोदशा क्या होती होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। जब 24 घंटे 48 घंटे गुजर जाते हैं, फिर जांच के लिए बुलाया जाता है तो जांच होती है और इसके दो दिनों के बाद रिपोर्ट दी जाती है, आप निगेटिव है या पॉजिटिव है। ऐसे भागलपुर में अच्छी बात है कि निगेटिव भी बता दिया जाता है, बिहार के कई जिलों में तो निगेटिव की जानकारी ही नहीं दी जाती है। लेकिन सोचिए, इस जांच में ही आदमी दौड़ते भागते जांच कराते रिपोर्ट पाते 4 दिन गुजार देता है। क्या होगा यदि किसी व्यक्ति के भीतर कोरोना पॉजिटिव है? तो वह आदमी आधा तो ऐसे ही सूख जाएगा, वह आदमी किससे मिलेगा किससे नहीं मिलेगा, आप समझिए। क्यों कोरोना बढ़ रहा है, क्यों संख्या बढ़ रही है और टेस्ट नहीं हो रहे हैं? आप टेस्ट से भाग रहे हैं, और मुझे तो इस बात की उम्मीद थी कि भागलपुर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि भागलपुर का बेटा देश का केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, लेकिन कुछ नहीं। तो हालात ऐसे हैं। अब भागलपुर में कल क्या हुआ? भागलपुर में एक व्यक्ति दवा लेने जाता है, दवा की दुकान पर ही मौत हो जाती है। 100 ऐसे पड़ा है कि जो दुकानदार है, दवा दुकानदार, शहर की सबसे बड़ी दुकान है, वो दुकान भी बंद नहीं कर सकता। इसके बाद उस 100 को अस्पताल पहुंचाया जाए या कहीं और, इसके लिए संघर्ष होता है। संघर्ष इस मसले में कि लोग स्वास्थ्य विभाग को खबर करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस चली आती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आता है। क्या हुआ था कल, अब सुनिए। राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं, क्या कह रहे हैं? राजेश वर्मा जी, आप भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं, मैं ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ, पटना से लाइव सिटी से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। राजेश जी, कल आपके यहाँ एक बहुत दुखद घटना घटी। देखिए, कोरोना का विस्फोट तो पूरे बिहार में है, लेकिन भागलपुर की जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई पड़ रही है कि एक व्यक्ति दवा की दुकान पर दवा खरीदने जाता है, लेकिन वहीं उसकी मौत हो जाती है, और इसके बाद 5 घंटे तक
गौ वहीं पड़ा रहता है। मुझे खबर मिली, आपने फेसबुक पर भी लिखा कि आपने सभी लोगों को फोन किया लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं था, फिर आपने अपने निजी पैसे से बंदोबस्त की, क्या हुआ था? देखिए, एकदम मार्केट के बीचों बीच, भागलपुर शहर के बीचों बीच जी, सबसे बड़ी शहर की दवा दुकान है आत्मारा मेडिकल हॉल जी, जहां पर लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो कि अस्थमा की जिसको समस्या वो बता रहा था और उसने सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस बात की बात कहकर दवा दुकानदार से दवाई ली। क्या उम्र थी? मुझे लगता है कि लगभग 40-45 साल के बीच उम्र होगी उसमें। जी जी। तो दवा लेने के बाद वो व्यक्ति वहीं पर दवा लिया और बाहर भी नहीं निकला है कि वहीं पर वो एकदम उसके शटर के पास ही जो है वो बैठा और वहीं पर उसने अपने जी आखिरी सांस ली जी। और उसके बाद जो है दुकानदार ने अगल बगल जो केमिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं उन लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश की, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क साधने की कोशिश की जी, सिविल सर्जन से संपर्क साधने की कोशिश की, सब जगह पर लोगों ने कोशिश की और कोई भी व्यक्ति उस लाश को 3 घंटे तक छुआ नहीं। मतलब उसके बाद कोई आया भी नहीं? कोई नहीं आया, सिर्फ पुलिस की गाड़ी वहां थी, लोकल थाना वहां पर था, डीएसपी मौजूद थे जी, लेकिन किसी ने भी नहीं छुआ। सबने यही बात कही कि ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, हम लोगों के पास तो ना पीपी किट है ना हमारे पास कोई सुविधा है, तो हम उसको नहीं छू सकते नहीं उठा सकते। मतलब तमाम लोगों से संपर्क स्थापित किए गए लेकिन कोई देखनहार नहीं था? कोई नहीं देखा। 2:30 बजे के आसपास मैं खुद वहां पहुंचा जी, और वहां पहुंचने के बाद मैंने सभी लोगों के नंबर पे, हमारे यहाँ डीपीएम साहब हैं उनके नंबर पर, सिविल सर्जन के सबके नंबर पर हम लोगों ने संपर्क किया, किसी ने भी लाश उठाने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये लोग फोन तक नहीं उठा रहे थे किसी का, मतलब कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, सिस्टम कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं जी। और अंतोगत्वा जब 2 घंटा तक मैं खुद वहां खड़ा होकर सब जगह से थक गया, तो लास्ट में 2 मजदूरों को निजी रूप से अपने पास से पैसा दे के वहीं स्थानीय दुकानदारों से जो है पीपी किट लेकर उनको पीपी किट पहना के उनसे लास्ट में 4:30 बजे मतलब डेड बॉडी को 5 घंटा के बाद वहां पर से उठवाया गया और तब उसको जो है सदर अस्पताल पहुंचाया गया, ये व्यवस्था थी। और स्थिति में भागलपुर कैसे जी रहा है राजेश वर्मा जी? डीएम साहब खुद आइसोलेट हो गए हैं, पटना चले आए हैं, सीनियर एसपी के बारे में कहा जा रहा है वो होम क्वारंटाइन है, भागलपुर की जिंदगी कैसे चलेगी? मतलब ये जो व्यवस्था है, क्या आप लोग तो उप महापौर है डिप्टी में, मैं आपको ज्ञानेश्वर जी बताना चाहता हूँ जी कि अभी यदि किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स कोरोना का हो जाए जी, और वो व्यक्ति उसको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो या उसकी हाई फीवर हो, वो इमीडिएट अगर चाहे कि अभी जाकर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो ये सुविधा नहीं, और वो अगर इमीडिएट चाहे कि मेरा टेस्ट हो जाए कि हम कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये व्यवस्था भी नहीं है। पहले तो यहाँ पर आपको तो इस बात का फक्र होना चाहिए कि अश्विनी कुमार चौबे भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जिनका सब कुछ भागलपुर है, क्या उन्होंने कुछ सुध लेने की कोशिश नहीं करी इस नाजुक वक्त में और इस मुसीबत के वक्त में? सर, कोई भी तरह की व्यवस्था यहाँ पर किसी भी मंत्री के द्वारा, किसी भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ना कोई धरातल पर जो व्यवस्था है, मैं आपको धरातल की व्यवस्था से रूबरू करा रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, वृद्ध व्यक्ति जिसने मुझसे गुहार लगाई 5 बार की जो है हमको मायागंज हॉस्पिटल जो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है उसमें हमको एडमिट करा दीजिए, मेरे पिताजी की स्थिति बहुत खराब है, उसके बाद मैंने सुपरिटेंडेंट से गुहार लगाई, सुपरिटेंडेंट साहब ने 1-1.5 घंटा के बाद उस व्यक्ति को वहां पर एडमिट करने का काम किया, उसमें भी उस व्यक्ति के पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ, बहुत देर के बाद जब जोर लगाया गया तब ऑक्सीजन सिलेंडर उसको उपलब्ध हुआ, तब वो सांस ले पाया। मतलब सभी लोग भूल गए भागलपुर को, अंतोगत्वा उस व्यक्ति की सर मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मतलब ये स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग में कोई भी व्यक्ति, डीपीएम साहब है तो वो कोरोना पॉजिटिव है, डीएम साहब है तो कोरोना पॉजिटिव है, डीएम साहब ने जिसको जवाब दी वो कोरोना पॉजिटिव, फिर उन्होंने जिसको डीडीसी को जवाब दी वो कोरोना पॉजिटिव, और जो पदाधिकारी बचे हुए हैं वो सब लोग अपने आप को पूरी तरीके से होम क्वारंटाइन कर लिए हैं कि भैया इतना कोरोना का डर है। हमारा कहना है भागलपुर की चिंता हम राज्य सरकार को बताने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश वर्मा जी, शुक्रिया। तो आपने सुना राजेश वर्मा को, भागलपुर के डिप्टी मेयर को। अब भागलपुर की स्थिति आपको आगे और भी बताते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी बैठ गया है, सिविल सर्जन भी अपने को क्वारंटाइन किए हुए हैं,
वहाँ DPM जो हैं उन्होंने स्वयं को आइसोलेट कर रखा है, कोई क्यों सुनेगा। सीनियर SP जो भागलपुर के हैं उन्होंने भी स्वयं को, देखिए वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं लेकिन अपने को क्वारंटाइन किए हैं क्योंकि DM के साथ लगातार संपर्क में थे। जो अस्पताल है सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, वहाँ भी कोरोना पहुँचा हुआ है, उनके कई डॉक्टर, आपको पता है कि एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई, इसके साथ ही जेल में मौत हो रही है। तो भागलपुर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में भागलपुर की जिंदगी भगवान के हाथ है। मंत्री जी तो रामायण देख ही रहे हैं, शायद मर्यादा पुरुषोत्तम भागलपुर पहुंच जाएं और लोगों को वह शक्ति दें। हम भी यही कामना करते हैं क्योंकि जब आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, वैसे भगवान का दरबार भी, जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, वो बंद हैं। लेकिन इस स्थिति में भागलपुर का क्या होगा, बिहार का क्या होगा। और 15 दिनों के बाद, महीने भर के बाद ये नेताजी लोग ही कहेंगे कि भागलपुर हमारा है, कांग्रेस वाले कहेंगे भागलपुर हमारा है क्योंकि उनके विधायक वहाँ जीते हुए हैं, भाजपा वाले कहेंगे भागलपुर ये तो मेरा किला है, 2015 में हार गए तो क्या हुआ, 2020 में जीतेंगे, नेताजी के पुत्र लोग भी आ जाएंगे सामने। लेकिन अभी कोई देखनहार नहीं है, इसलिए भागलपुर के लोगों अपनी रक्षा स्वयं करो, अपने को स्वयं बचाओ, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। यदि स्वयं नहीं बचे तो बचना मुश्किल होगा। हाँ, वोट देने जाओगे कि नहीं जाओगे यह फैसला स्वयं करना, वोट मांगने लोग चले आएंगे, लोग कहेंगे कमल छाप पर वोट दे दो, लोग कहेंगे फूल छाप पर वोट दे दो, लोग कहेंगे लालटेन छाप पर वोट दे दो, लोग कहेंगे हाथ छाप पर वोट दे दो, लोग कहेंगे। लेकिन याद रखना कि इस संकट के वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में कोई आपको देखने आया कि नहीं आया। यदि अपनी मेमोरी शॉर्ट रखोगे तो ऐसे ही लोग जब संकट आएगा ना दूर भागते रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, Twitter पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।